मोदी बाबा के आशीर्वाद से हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, और जो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया है, संकल्प मैंने लिया है क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है, ये संकल्प हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का है, हमारे हर एक बहन का संकल्प है, हर एक भाई का संकल्प है, हर एक हमारे बड़े बुजुर्गों का संकल्प है, हर एक हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी का और हमारे भविष्य के कर्णधार बच्चों का संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम सबको काम करना होगा, हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करना होगा। हमारे पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, हम अपने काम को सर्वोत्तम देने का काम करेंगे, जितनी हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा का पूरी तरह से अपने राज्य के हित में उपयोग करेंगे, तो कोई शक्ति माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की भी कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद है, वह भी हमारे लिए सारी योजनाएं दे रहे हैं, सभी प्रकार के जो भी काम हमको बताते हैं, जो भी हम अनुरोध करते हैं, वो सारे काम हमको धरातल पर करते हैं, इसलिए हम सबको भी इस विकसित भारत यात्रा के संकल्प इस यात्रा में संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में जैसे हमने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित भारत बन जाएगा, 2027 और 28 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था हमारी होगी। ये सारे काम हम सबके सामने होंगे, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो नेतृत्व आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और वैश्विक रूप से भारत की पहचान को सशक्त करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जिन बहनों की गोद भराई हुई है, जिसको आज मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का किट मिला है, हमारी बहनों को जो सहकारिता समूह की बहनों को यहाँ से आज चेक मिले हैं, होने का अवसर मिला है, उन सभी को बहुत बधाई देते हुए और ये आह्वान करते हुए कि अभी सभी लोगों को कहना है कि जहाँ जहाँ भी हमारी विकसित संकल्प भारत यात्रा जहाँ गुजर रही है वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आना है। ये एक उत्सव है, ये उत्सव है बेटा, विकसित भारत की संकल्प का उत्सव है। इस उत्सव में हमने उन लोगों को भी जोड़ना है जो लोग लाभार्थी हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि अन्य लोगों को भी इस यात्रा से जोड़े और जो लाभ उनको मिल सकता है, जो उनकी सहायता हो सकती है उसको करवाने के लिए उन सब तक जागरूकता का अभियान चलाए। मैं आप सबका यही आह्वान करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, और अभी 26 तारीख को मुचौली रोड वन प्रभाग में जो भूम रेंज में आता है, बाघ द्वारा गीता देवी पत्नी श्री रमेश सिंह पर जो हमला किया था, तभी उनकी साथी जानकी देवी पत्नी जितेंद्र सिंह और पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय पूरन सिंह जी द्वारा बहुत खास का परिचय किया, अपनी जान पर खेलकर घायल महिला को